किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गांव में रहने वाले एक छोटे बच्चे की, जिसने एक दिन अपने फादर से पूछा कि पापा खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सवाल पूछा है। उसके पापा उसे घर से बाहर लेकर के गए और सामने एक पहाड़ी पर महल था वो दिखाया और कहा कि बेटा वहां पर वो व्यक्ति रहता है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। बच्चे ने पूछा कौन है, तो पापा ने कहा कि बेटा वहां पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। पिताजी से परमिशन लेकर के वो बच्चा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए दूर पहाड़ पर उस महल तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा उस महल के पास, तो उसको देखता रह गया इतना सुंदर आलीशान भव्य महल। उस बच्चे को उस महल की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भूल गया कि क्यों आया था। फिर उसे याद आया कि जो मेन काम था वो तो करा ही नहीं। उसने पूछा किसी से कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहां रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सामने जो दरबार लगा है वो उन्हीं का लगा है। उस लड़के ने वहां जाकर के देखा, बड़े बड़े व्यापारी आए थे, सब लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए थे, बहुत लोग आए हुए थे। कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, कोई परिवार के बारे में जानना चाहता था। इस लड़के ने अपनी बारी का इंतजार किया, इसकी बारी आई, जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में पापा ने बताया, मैंने एक सवाल पापा से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं, मेरा सवाल यह है कि बस मुझे इतना सा बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। वो मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि बेटा तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी सवाल लेकर के आए हो, अच्छा काम करो मैं तुम्हें जवाब दूं, उससे पहले मेरा घर तो देख लो, इस महल को तो देख लो, ये तो देखो कि आदमी कैसा है, उसका घर तो देखो, तब तो समझोगे, क्या पता मैं गलत बात कह दूं। उस लड़के ने कहा हाँ सही बात है, मैं देख करके आता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि रुको, जाने से पहले एक शर्त है, तुम्हें चम्मच दे रहा हूं। एक चम्मच उसे दी, कहा कि इसे मुंह में रखना। उस चम्मच में दो बूंद तेल डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि बेटा घूम करके आना, लेकिन याद रखना कि ये दो बूंद तेल छलक ना जाए। लड़के ने कहा ठीक है, वो निकल गया। महल में घुमावदार सीढ़ियां थी, बचते बचाते धीरे 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 पूरा महल वो घूमा और वापस आ गया। जब वापस आया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा महल देखा, लड़के ने कहा हां देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वो झूमर देखा, इतना शानदार आलीशान झूमर हमने लटकाया हुआ है। लड़के ने कहा नहीं वो नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो बगीचा देखा जिसमें नायाब पेड़ लगाए गए हैं, दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके हम वो चुनिंदा पौधे लाए जिनसे ये पेड़ बने हैं, तुमने देखे कि नहीं। लड़के ने कहा नहीं देखे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारी आलीशान लाइब्रेरी देखी कि नहीं, उसमें दुनिया की ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिन्हें पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। बच्चे ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये तेल की दो बूंद पर था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, वापस जाओ, एक बार फिर से घूम करके आओ और फिर मुझे बताना, शर्त यही रहेगी बस घूम करके आओ। बच्चा गया दोबारा, अब की बार उसने सब कुछ निहारा, एक एक चीज को अपनी आंखों में बसा लिया, उस सुंदरता को समेट करके जब वापस आया तो बुद्धिमान व्यक्ति को बताने लगा कि क्या आलीशान महल आपने बनाया है, क्या नक्काशी है, मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुंदर महल है, काश मैं भी यहां पर हमेशा के लिए रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाह क्या बात है, अब तुमने हमारे महल को अच्छे से देख लिया, लेकिन एक बात बताओ वो तेल कहां गया जो चम्मच में था। लड़के की नजर पड़ी चम्मच में से, वो तेल पता नहीं कब छलक गया, ध्यान ही नहीं गया उसका, क्योंकि अब की बार सारा ध्यान तो नक्काशी देखने में था, महल देखने में था। उसने कहा कि माफ कीजिएगा वो तेल तो छलक गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। बच्चे ने कहा समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में गिरे उस दो बूंद तेल पर था, दूसरी बार भेजा तो चीजों को देखने में ध्यान था और जो बेसिक रूल था उसे तुम भूल गए। ये बैलेंस बना करके रखना ही खुश रहने का सीक्रेट है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के चलता है, फैमिली में, करियर में, वही खुश रहता है। आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेसिक्स को मत भूलिएगा, जो वैल्यूज से जुड़ा रहता है, जो संस्कारों से जुड़ा रहता है, जिंदगी में वही ऊंचाई हासिल करता है और हमेशा खुश रहता है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन।
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप की। बात उन दिनों की है जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डायमंड माइंस मिल रही थी, हीरों की खाने मिल रही थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव गांव में लोगों को मालूम चल गया था कि हमारे यहां पर हीरे निकल रहे हैं। तो एक गांव में किसान था जो परेशान हो चुका था खेती कर करके। उसको लगा कि क्या मिल रहा है, पैसा तो मिलता नहीं है ज्यादा। वो घर गया, जाकर के बीवी को कहा कि मैंने एक फैसला लिया है, अब मैं अपना खेत बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे एक यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैं अपने पूरे अफ्रीका में घूम करके उस डायमंड की माइन को खोजूंगा जो हमारी किस्मत बदल देगी। उसने बीवी से कहा कि कल तुम्हें मायके छोड़ने के लिए चल रहा हूं। अपने ससुराल में गया, वहां जाकर के बीवी को छोड़ दिया। ससुर जी को बता दिया कि देखना, वापस आऊंगा तो अमीर दामाद बनकर के आऊंगा। वहां से आशीर्वाद लेकर के निकल गया। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। उसे लग रहा था कि डायमंड की माइन ऐसे ही मिल जाएगी और जिंदगी पलट जाएगी। ढूंढता रहा इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली। वो कहते ना, जब उम्मीदों का बोझ ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से घबराने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इस पर भी निराशा हावी हो गई और एक पहाड़ से कूद करके इसने नदी में जान दे दी, क्योंकि इसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली थी। ऊपर से खेत बेच दिया था, पैसे खत्म हो गए थे। ये कहानी इस किसान की नहीं है, कहानी उस किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। वो रोजाना खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था। एक दिन खेत में पहुंचा, नदी किनारे वो खेत था। जो नदी का किनारा था उस साइड में रेनबो बना हुआ था। ये थोड़ा पास गया, जाकर के देखा तो एक चमकती हुई चीज रखी थी जिस पर सूरज की किरणें आ रही थी और रेनबो बन रहा था। ये वो चमकता पत्थर उठा करके घर ले आया और घर में रख दिया। इसको क्या मालूम कि क्या है। एक दिन एक रिश्तेदार इसके घर पर आया, उसने देखा कि यहां पर तो एक चमकता पत्थर रखा है। उसकी नजरें उस पर टिक गई। वो समझदार था, उसने देखे हुए थे हीरे वगैरह, उसको इसकी समझ थी थोड़ी। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई, ये यहां क्यों रख रखा है? ये चमकता पत्थर वत्थर नहीं है, ये बहुत नायाब हीरा है। और ये कहां मिला तुम्हें? तो इस किसान ने बताया कि भाई मेरे खेत में मिला था। तो जो रिश्तेदार था उसने कहा कि मेरे भाई, वो खेत नहीं है, वो तो हीरे की खान है, उसे खुदवाना शुरू करो। अपने रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके इसने वो खेत खुदवाया, खान बन गई। और वो खान ऐसी वैसी नहीं थी, उसमें से हीरे ही हीरे निकले। ये व्यक्ति जिसको खेत बेचा गया था, जो खेती कर रहा था, ये माला माल बन गया। एक वो किसान जिसके खेत में, जिसकी जमीन के नीचे ही हीरे थे, वो पूरी दुनिया खोज आया लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। और दूसरा किसान जिसके खेत में ही हीरे छुपे थे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ को कोसने लगेंगे, ऊपर वाले को कोसने लगेंगे, फैमिली को, ऑफिस को कोसने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली तो आप मौके पर चौका लगाएंगे। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है। जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन लोग अगर वाकई में आपके साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जौहरी की, जिनकी यंग एज में ही डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके परिवार में रह गए उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा। मां कब तक घर का खर्च चला पाती? उनके पास में सेविंग्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गहनों की पोटली थी। एक दिन मां ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, इस शहर में दूसरे किनारे पर एक दुकान है जो हमारे रिश्तेदार की है, तुम बस एक काम करना, वहां जाना और उनसे कहना कि अंकल जी मैं उनका बेटा हूं, पापा के बारे में बताना और कहना कि पापा जी का निधन हो गया है, हमारा परिवार संकट में है, आपकी मदद चाहिए, बस ये गहने खरीद लीजिए, मुझे लगता है कि बेटा वो हमारी मदद करेंगे, गहने सही दाम में खरीद लेंगे। छोटा बच्चा मां का आदेश मानते हुए चला गया। उस दुकान पर पहुंचा, जाकर के सारी रिश्तेदारी समझाई। वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा आओ बैठो, मुझे दिखाओ क्या तुम पोटली लेकर के आए हो। इस लड़के ने वो पोटली उन अंकल जी को दे दी।
उन्होंने गहनों की पोटली देखने के बाद बच्चे को वापस लौटा दी और कहा कि बेटा एक काम करना, अभी बाजार मंदा चल रहा है, धीमा चल रहा है, सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए पोटली ले जाकर के माँ को वापस दे दो। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तेजी आ जाएगी, तो तुमसे पोटली मंगवा लूंगा। तब तक के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। और एक काम करना, स्कूल जाने के बाद जब शाम में थोड़ा बहुत वक्त मिले ना, तो दुकान पर आ जाना, यहां आकर के मेरे साथ में एक काम सीखना, तुम्हें काम भी सीखने को मिलेगा और बड़े होकर के तुम ये काम भी कर पाओगे। लड़के को अंकल जी बड़े अच्छे लगे। घर गया, जाकर के माँ को बताया कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, और ये पोटली रख लो, जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तो हम बेच देंगे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए, ये लड़का उस दुकान पर जाता था, काम सीखता था। एक दिन उन अंकल जी ने कहा कि बेटा एक काम करना, अब मार्केट ठीक हो गया है, माँ से कहकर के वो पोटली लेकर के आ जाना, अब वो गहने बेचने का समय आ गया। लड़का घर गया, जाकर के माँ से कहा कि वो गहनों की पोटली मुझे दे दो, मार्केट में दाम सही मिल रहे हैं, सही समय है इनको बेचने का। माँ ने अंदर से लाकर के वो गहनों की पोटली दे दी। लड़का वो पोटली लेकर के अपने कमरे में गया और गहने देखने लगा, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सारे के सारे गहने नकली थे। उसकी आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे। अगली शाम में बड़ी हिम्मत करके उस दुकान पर पहुंचा और अंकल जी ने पूछा कि बेटा वो गहनों की पोटली नहीं लाए? लड़के ने कहा कि आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि वो सारे के सारे गहने नकली हैं? आपने तो मुझे कहा कि घर ले जाकर के रख दो, जब मार्केट में दाम सही मिलने लगेंगे तब बेच देना। वो जो रिश्तेदार थे, उन अंकल जी ने कहा कि बेटा मैं उस दिन भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन उस दिन बताता तो तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि आज जब हमारे परिवार पर संकट आन पड़ा तो अंकल जी ने भी मुंह फेर लिया, हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं उस दिन चुप रहा, मैं चाहता था कि तुम काम सीखो और खुद से समझ जाओ कि वो गहने नकली हैं। लड़के ने अंकल जी के पैर छू लिए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप वाकई में ऊपर वाले के भेजे हुए इंसान हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है रिश्तेदारों को कैसा होना चाहिए। दूसरी बात हमें सिखाती है लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात हमें सिखाती है हमें नहीं मालूम कि कौन किस सिचुएशन में है, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी हार मानने की सोचो तो एक बार उस कारण को याद कर लेना जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज से पास आउट होने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वो लड़की अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया कुछ दोस्तों के साथ में। शुरू शुरू में तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में आइडिया फ्लॉप हो गया, वो स्टार्टअप फेल हो गया, पैसा डूब गया। प्राची अपने दोस्तों से कट गई, उनसे बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद रखने लग गई, घर वालों को भी उसने कुछ कहना सुनना सब बंद कर दिया। घर वाले भी कहते थे कि एक बार तो बात कर लो, लेकिन घर वालों से भी उसने बात करना बंद कर दिया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है, अभी तो एक ही बार कोशिश की थी, पहली कोशिश थी। प्राची की एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, उन्हें बताया गया कि प्राची परेशान सी रहने लगी है। उन्होंने प्राची को कॉल किया और कहा कि एक बार मेरे घर पर आ जाओ, बस एक बार मुझसे मिल लो। उन प्रोफेसर मैम की प्राची बहुत इज्जत करती थी, इसलिए ना नहीं कर सकी। उनसे मिलने के लिए पहुंच गई शाम में। जब पहुंची तो प्रोफेसर मैम ने पूछा कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो? तो प्राची ने कहा कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर हम एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर मैम ने कहा कि सही कह रही हो, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो सब फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्राची ने कहा कि मैम बस यही तो कह रही हूँ, तो जब उन्हें सब कुछ करना है तो हम भी मेहनत क्यों करें? मेरा सपना था मैम स्टार्टअप शुरू करने का, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं जिंदगी में। प्रोफेसर मैम प्राची को अपने गार्डन में लेकर के गई और पहला पौधा दिखाया। वो छोटा सा पौधा टमाटर का था जो सूख चुका था, खत्म हो चुका था। प्राची कहने लगी कि देखो इसका क्या हाल हो गया, आपने भी तो मेहनत की होगी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, शुरू से लेकर के आखिरी तक इसका ख्याल रखा, खाद दिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, हर वो चीज इस्तेमाल की जिससे कि इसको बचाया जा सके, लेकिन ये खत्म हो गया। बस वो पौधा दिखा करके प्रोफेसर मैम वापस प्राची को लेकर के आ गई।
प्राची अपनी बात पर टिकी हुई थी कि एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा मैम, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो एफर्ट्स करना भी छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है कि सब कुछ उसको करने देना चाहिए। प्राची की बातें नेगेटिव साउंड कर रही थी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि रुको एक कॉफी पी लो, उसके बाद चली जाना। तुरंत वो कॉफी बना करके लेकर के आई। प्राची ने कॉफी पी, वो जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रोफेसर मैम ने कहा कि सुनो एक बात और तुमसे करनी है, एक बार मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई जहां एक छोटा सा स्टोर रूम था। उन्होंने दरवाजा स्टोर रूम का खोला और जैसे ही दरवाजा खोला अंदर लाल टमाटरों के ढेर लगे थे। प्राची चौंक गई, उसने कहा कि अभी तो आपने मुझे टमाटर का सूखा पौधा दिखाया, ये इतने सारे लाल टमाटर कहां से आ गए? प्रोफेसर मैम ने कहा कि बेटा तुमने गार्डन का सिर्फ पहला पौधा देखा और मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई, तुमने पूरा गार्डन देखा ही नहीं। वो पहला पौधा देख करके तुमने सोचा कि यहां टमाटर उग ही नहीं सकते और तुम ये सारे लाल टमाटर वो देख रही हो जिनके पौधे आगे लगे थे, लेकिन तुम गार्डन को पूरा देख ही नहीं पाई। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी है, पहली बार तुमने कोशिश की, पहला स्टार्टअप फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, ये पहला पौधा सूख गया तो क्या, मेहनत करती रहो, एफर्ट्स करती रहो, रिजल्ट वो ऊपर वाला अपने आप देगा और शानदार रिजल्ट देगा। अगर मैं भी सिर्फ इस एक पौधे को देख करके परेशान हो जाती तो ये बाकी के पौधे जो इतने लाल टमाटर मुझे दे रहे हैं इन पर कभी ध्यान नहीं दे पाती। मैंने सबका ध्यान रखा, एक दो फ्लॉप हो गए, नहीं चल पाए, सूख गए, कोई बात नहीं, बाकी के पौधों ने शानदार रिजल्ट दिया है। माय एफएम पर बस आपसे ये कहना चाहता हूं, कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन, बस यही कहूंगा आपसे कि एफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और अगर आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है तो आपको रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में लोग हमसे तीन वजहों से जुड़ते हैं, पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और कुछ पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूली वेड कपल आया जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो भी आकर के इंतजार करने लगे। उन्होंने देखा कि जहां बुजुर्ग बैठे थे उनके पास में जगह थी, तो पति पत्नी जाकर के वहां बैठ गए। जो पति था उसको ज्ञान बघारने की आदत थी, ज्ञान देने की आदत थी। उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे और जहां उसने देखा कि ये रामायण पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे सर, आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कहां आप ये पुरानी चीजें पढ़ते रहते हैं, कुछ नया पढ़िए, इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में, वेबसाइट्स पर हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी सारी नई नई बुक्स आती हैं, उनके बारे में पढ़िए, या फिर OTT पर कुछ नया कंटेंट देखिए, कब तक ये पुरानी बातें पुराने ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, वो कहने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति चुप रहे, चुपचाप पढ़ते रहे। तभी ट्रेन आ गई, ट्रेन में काफी भीड़ थी, पीछे के रास्ते से बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ गए और आगे के रास्ते से वो लड़का चढ़ गया। ट्रेन रवाना हो गई, कुछ सेकंड्स के लिए वहां प्लेटफॉर्म पर रुकी, छोटा स्टेशन था, और जैसे ही ट्रेन चली एक मिनट के अंदर वापस चेन पुलिंग हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या हो गया, तो किसी ने बताया कि एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतर करके आए कोच से बाहर और देखने लगे तो वो लड़का भागा जा रहा था अपनी बीवी को लाने के लिए। उसकी पत्नी को लेकर के आया, दोनों पति पत्नी ने ट्रेन बोर्ड की और उसके बाद में बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा वैसे तो मैं तुम्हें ज्ञान देना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहना चाहता हूं, तुमने कहा कि मैं पुराना ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूं, तुम्हें पता है रामायण में एक छोटा सा किस्सा है, जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता के साथ में वनवास के लिए रवाना हुए तो सबसे पहले उन्होंने रथ पर माता सीता को चढ़ाया। एक चौपाई है, चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और छोटा सा किस्सा आता है रामायण में, जब प्रभु श्री राम के परम सखा केवट ने नाव मंगाई नदी पार करने के लिए, तो उसमें भी प्रभु श्री राम ने सबसे पहले माता सीता को ही चढ़ाया। एक और चौपाई है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो ये तुम्हें मालूम होता कि कभी भी कहीं भी जाएं तो सबसे पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, उसके बाद में खुद बढ़ें, बस में चढ़ें, ट्रेन में चढ़ें,
कहीं भी जाएं, सबसे पहले अपनी पत्नी को मौका दें आगे चढ़ने का, आगे पहुंचने का, उसके बाद में खुद चढ़ें, परिवार को आगे रखें। ये छोटी सी बात हमें रामायण से सीखने को मिलती है। और बेटा, ग्रंथ जो हैं, कितनी भी बार पढ़ लो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं पुराना ग्रंथ, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहा था। उस लड़के की शर्म के मारे आंखें नीचे हो गई और उसे समझ में आ गया कि वो जो ज्ञान बघार रहा था वो किसी काम का नहीं था। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है, जिंदगी में सफल होने के लिए बार बार हमारे ग्रंथों को पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। जिंदगी में पॉजिटिविटी का परसेंटेज ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। सुनते रहिए आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं देख पाती। इंसान भी दुनिया की कमियों को हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बादशाह और उसके ऑल टाइम फेवरेट डॉगी की। बादशाह के साम्राज्य में लोग कहते थे कि काश हम इस बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपने डॉग से इतना प्यार करता था, जहां जाता था, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी राजा से मिलने, कहीं भी जाए, वो कुत्ता हमेशा उसके साथ होता था। लोग मिसाल भी देते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। वैसे बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, उसे अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से प्यार था तो था, वो हमेशा उसे अपने साथ रखता था। एक बार बादशाह को समंदर पार किसी दूसरे बादशाह से मिलने के लिए जाना था। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये डॉगी भी हमारे साथ जाएगा। सैनिक कुछ नहीं कह सके, चुपचाप उस आदेश को मानना था। एक बड़ी सी नाव तैयार की गई जिसमें कुछ और लोग भी उस राज्य के जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी उस दूसरे देश में जाना था। उस नाव में राजा साहब थे, उनके साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स थे, और साथ में था राजा साहब का वो प्यारा सा डॉगी। उस कुत्ते के लिए पहली समुद्री यात्रा थी, पहली बार वो नाव में बैठ रहा था। जानवर होते हैं, उनमें एक अलग उत्साह होता है। जैसे वो नाव में बैठा, इधर से उधर घूमने लगा। उस डॉगी को शुरू में मस्ती सूझ रही थी और बादशाह को अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी मस्ती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खतरा समझ में आने लगा कि ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहीं नाव ना पलट जाए। जो यात्री बैठे थे उनको भी डर सता रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था, हिम्मत करके बादशाह के पास गया और जाकर के कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप अगर आदेश दें तो इस डॉगी को ठीक कर दूं। उन्होंने कहा जरूर। बादशाह को भी समझ में आ गया था कि इसको चुपचाप बैठाना जरूरी है। वो फिलोसोफर गया, जाकर के दो और यात्रियों की मदद ली और उस डॉगी को उठा करके पानी में डाल दिया। जहां ठंडा पानी उसको लगा और जहां उसे समझ में आया डॉगी को कि कहीं डूब ना जाए, उसे खतरा समझ में आया, वो डर के मारे घबरा गया। थोड़ी देर में इस पैसेंजर ने, जो फिलोसोफर था, इसने बाकी के दोनों यात्रियों की मदद से वापस उस कुत्ते को उठा करके नाव में डाल दिया। और जैसे ही वो कुत्ता नाव में आया, वो डॉगी चुपचाप जाकर के कोने में दुबक करके बैठ गया। ये छोटा सा चमत्कार था, बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उस फिलोसोफर से, उस दार्शनिक से पूछा कि भाई ये क्या कर दिया, ये तो चुपचाप एकदम साधारण सा बन गया, इतनी मस्ती कर रहा था, शैतान था, एकदम नॉर्मल सा बैठ गया, क्यों? उस फिलोसोफर ने कहा कि हुजूर, बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको खतरा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, और इसे खतरा समझ में आ गया इसलिए चुपचाप जाकर के बैठ गया है, अब इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जब तक हमें दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती, हम उस पर उंगली उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसीलिए दूसरों की स्थिति को समझें, उसके बाद में ही उन पर टिप्पणी करें, कोई भी कमेंट करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसीलिए सिर्फ अपने अंदर की कमी को देखें, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दें, अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इतनी सी बात है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा।
कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान की है और सच्ची कहानी है। लॉकडाउन के वक्त हमारे देश में कई सारे लोग थे जिनके पास में पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी, जिनके पास में हर तरीके का संकट आ चुका था, जो काफी लोगों से मदद मांग रहे थे लेकिन उतनी मदद मिल नहीं पा रही थी जितनी चाहिए थी। ऐसा ही एक कैब ड्राइवर था जो परेशान था। कैब्स चलना बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने बहुत लोगों को कॉल लगाई लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने कहा कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, आपकी बैंक का नाम, ये सब डिटेल भेजिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं। ये समझ नहीं पाया, इसने पूछा कि मैंने आपसे मदद मांगी थी। उसने कहा ये सब छोड़िए, आप पहले बैंक डिटेल्स भेजिए, बाद में बात करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इस कैब ड्राइवर को समझ नहीं आया कि कौन है जो मेरी मदद करना चाह रहा है, जानना पहचान, और मैंने तो मतलब इससे मदद भी नहीं मांगी, कौन है ये। घर वालों से बात की, उन्होंने कहा एक बार भेज दो ना, सही होगा तो मदद कर देगा। हिम्मत करके बैंक डिटेल्स शेयर कर दी। थोड़ी देर में तुरंत मैसेज आया कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए। इस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, इसकी फैमिली में एक हल्की सी खुशी आ गई थी कि वाह, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तभी कॉल आया उसी व्यक्ति का जो बैंक डिटेल्स मांग रहा था। फोन उठाते ही इस कैब ड्राइवर ने सबसे पहले पूछा कि आप कौन हैं, मेरी मदद क्यों की आपने। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई साहब आप भूल गए, 4 महीने पहले मुझे दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और आप ही मुझे लेने आए थे घर से स्टेशन तक। आपकी कैब में था, स्टेशन पहुंचा, मेरा फोन आपकी गाड़ी में छूट गया, मैं अंदर स्टेशन पर चला गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। मुझे उस दिन एक जरूरी इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था, वो सब तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आज का तो दिन ही मनुष्य है, मेरा फोन गायब हो गया। दौड़ करके बाहर आया लेकिन आपकी कैब कहीं नहीं दिखी। मैं गुस्सा करने लगा, गालियां देने लगा, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया उस दिन आपको। बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था। सुबह सुबह 6 बजे जब मुझे एक उम्मीद के साथ में दिल्ली जाना था, मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। सीधा मैं घर पहुंचा, ऑटो से उतरा तो देखता हूं कि वहां एक कैब खड़ी है। मैं फिर से कैब वालों को गाली देने लगा कि क्या ये कुछ भी मतलब फोन लेकर के चला गया, किस तरीके के लोग होते हैं। तभी मैंने देखा कि कैब का दरवाजा खुला और आप निकले, आपने मेरा फोन सबसे पहले मुझे दिया और कहा कि भाई साहब यहां घर पर ताला लगाए, बड़ी देर से यहां खड़ा हूं, कोई दिख जाए तो उसे फोन दे दूं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और साथ में मुझे गिल्ट फील हो रही थी कि मैंने आपको गलत समझा। उस दिन आपने वो हजारों का फोन लौटा करके मुझे करोड़ों की बात सिखा दी। पहली बात, किसी को भी जज ना करें। दूसरी बात, हर इंसान अच्छा होता है, बस थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करें। बस तब से मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था और अब जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद था, तो मुझे आपकी याद आई, मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए, आपको पैसों की जरूरत होगी, बस इसीलिए आपको कॉल कर दिया और आपको पैसे भेज दिए। अब बस थैंक यू मत कहिएगा, क्योंकि थैंक यू तो मुझे कहना है आपको, क्योंकि आपने मुझे काफी कुछ सिखाया, इसलिए थैंक यू। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा काम करते चलिए, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। मैंने अक्सर आपको हर तरीके की कहानी सुनाई है, पुराने जमाने वाली, राजा वाली, रानी वाली, लेकिन आज की कहानी सच्ची है। ये सच्ची कहानी अंदर तक आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे अंदर भी ताकत है, हम किसी से कम नहीं है, हम भी मंजिल पा सकते हैं। क्योंकि ये कहानी कुछ इतनी कमाल की है कि मुझे बार बार इंस्पायर करती है। जिनकी कहानी, उनका नाम है मैरी क्लैप्टन। 2000 की बात है, अपने चाचा के साथ में पानी लाने के लिए बाहर गई थी। 4-5 बदमाश अचानक से आए और आकर के इनके चाचा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया, पीटने लगे, मारने लगे, खून ही खून हो गया।
इस छोटी सी बच्ची को समझ में आ गया कि अगर यहां से नहीं भागी तो इसकी भी जान खतरे में होगी। अपनी जान बचाने के लिए और चाचा की जान बचाने के लिए, कुछ और लोगों को बुलाने के लिए, मदद मांगने के लिए बच्ची वहां से भागी। और जैसे ही ये छोटी बच्ची भागी, बदमाशों ने देख लिया, इसका पीछा करने लगे। छोटी बच्ची पूरी ताकत के साथ दौड़ रही थी, लेकिन कितना दौड़ती। उन बदमाशों ने इसे भी पकड़ लिया, इसको भी मारने लगे। जमीन पर खून ही खून बह रहा था। इस बच्ची को अचानक से एक आइडिया आया और इसने मरने का नाटक किया। बदमाशों को लगा कि शायद ये मर गई है, फटाफट से वहां से भाग गए। जब बदमाश वहां से भाग गए तो बच्ची उठ खड़ी हुई और जितनी जान बची थी उसी जान के साथ में दौड़ने लगी। जब दौड़ रही थी तो देख रही थी कि खून बहता चला जा रहा था, गिरता चला जा रहा था। अपनी हथेलियों को देखा तो हथेलियां बस हाथों से निकलने के लिए तैयार थीं, गिरने वाली थीं, खून ही खून हो रखा था। जैसे तैसे घर पहुंची, घर वालों से मदद ली, अस्पताल पहुंची। जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। 4-5 घंटों के ऑपरेशन के बाद में इसकी जान बचा ली गई, लेकिन इसके दोनों हाथ नहीं बच पाए। अब सबसे बड़ी समस्या थी परिवार के सामने कि हॉस्पिटल का खर्चा कैसे दिया जाए, वो जो बिल है कैसे पे किया जाए। दूर के रिश्तेदारों को कॉल लगाया, उनसे बात की, उनकी मदद मांगी, जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल पे किया। और जब घर पहुंचे तो घर बचा ही नहीं था। वो जो बदमाश थे वो हमला करने के बाद में इनके घर पहुंचे थे और घर में जाकर के आग लगा दी थी। सब कुछ राख हो गया था। हैरी क्लैप्टन के सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी थी, तैयार थी, समझ नहीं पा रही थी कि होगा क्या। लेकिन हिम्मत निहारी, ऊपर वाले को कोसा नहीं बल्कि धन्यवाद दिया कि हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया है कि आपने मेरी जान तो बचा ली, मुझे जिंदगी तो दे दी। 2008 में हाई स्कूल में अच्छे नंबर्स के साथ में वहां पास किया। उसके बाद में 2011 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, शेफ बन गई। मीडिया ने इनको बड़ा कवर किया, बड़ी कवरेज इनको मिली, बड़ी बड़ी होटल्स में जाती हैं प्रोजेक्ट के लिए। और मैरी क्लैप्टन की ये कहानी हमें सिखा रही है, वो खुद भी कहती हैं कि मुझे ऊपर वाले को बस धन्यवाद कहने का मन करता है कि उन्होंने कम से कम मुझे मौका दिया जिंदगी में दोबारा से बाउंस बैक करने का। मैं कभी भी उनको कोसती नहीं हूं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैरी क्लैप्टन के साथ में जो लोग काम करते हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, वो बताते हैं कि मैरी क्लैप्टन कभी भी मदद नहीं मांगती है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही कहती है कि मेरी आकर के मदद कीजिए। कभी गर्म बर्तन का ढक्कन हटाना हो, क्योंकि दोनों हथेलियां तो नहीं है, हाथ तो नहीं है, किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना हो, तब ये किसी की मदद मांगती है। मैरी क्लैप्टन जैसी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो हमें लगातार इंस्पायर कर रही हैं। इनसे बस एक ही बात सीखिए, जिंदगी में पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने पर आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितने में शायद आप मंजिल तक पहुंच जाएं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक छोटे राज्य और बड़े राज्य के बीच के युद्ध की। पहला दिन था, छोटे राज्य पर उस बड़े राज्य ने आक्रमण किया और इनके सैनिक धीरे धीरे कम होने लगे, सैनिकों की मौत होने लगी, युद्ध भीषण होता जा रहा था। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ शायद और सोचा हुआ था। शाम हो गई और युद्ध में विश्राम हो गया। छोटे राज्य की सेना वापस लौट रही थी। इसके सेनापति और राजा अभी भी जिंदा थे। राजा ने अपने सेनापति से कहा कि जाकर के सैनिकों से कह दो कि कल हम अटैक करेंगे, हम आक्रमण करेंगे और कल जीत हमारी होगी। जहां उस राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति अंदर ही अंदर ये सोचने लगा, मन ही मन परेशान होने लगा कि राजा साहब को क्या हो गया है। अपने सामने हार को देख करके शायद बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं और अब ऐसी बात कर रहे हैं कि हम, जो कि संख्या में कम हैं, हम आक्रमण करेंगे। लेकिन राजा का आदेश था, मानना था। सेनापति ने जाकर के जो सैनिक बचे थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि दोस्तों, कल के युद्ध में हमें आक्रमण करना है, हम अपनी तरफ से पहले हमला बोलेंगे और कल जीत हमारी होगी। सेनापति ये कहकर के वापस अपने विश्राम करने के लिए जो स्थान था वहां चला गया। लेकिन सैनिकों के बीच में अब ये बात होने लगी कि शायद सेनापति का दिमाग फिर गया, राजा का दिमाग फिर गया है। उनको भी ये लग रहा था कि हम कैसे जीतेंगे। अगली सुबह सब लोग तैयार हुए, युद्ध के लिए तैयारी थी, निकले घोड़ों पर सवार होकर के। बीच में एक धार्मिक स्थल था, वहां रुके, पूजा पाठ की, उसके बाद में फिर से तैयार थे रवाना होने के लिए, आक्रमण बोलने के लिए, हमला बोलना था। तभी राजा ने कहा कि सुनिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अब की बार राजा ने अपनी सेना को, सेनापति को संबोधित किया और कहा कि मेरे पास में एक सिक्का है। आज यहां हम ऊपर वाले के दर पर आए हैं, इनके दरवाजे पर हैं, क्यों ना यहीं पर हमारे भाग्य का फैसला हो जाए। एक सिक्का मैं उछालूंगा, अगर हेड आता है तो हमारी जीत पक्की,
और टेल आता है तो हमारी हार पक्की। यही ऊपर वाला हमें बता देगा कि आज के रण में, आज के युद्ध में क्या होने वाला है। राजा ने सिक्का उछाला और सिक्का जब उछल करके नीचे जमीन पर गिरा तो वाकई में हेड आ गया, यानी कि इनकी जीत पक्की थी। सैनिकों का कॉन्फिडेंस डबल हो गया, रण में गए, युद्ध में गए और इस छोटे राज्य की सेना ने पहले हमला बोला और जीत हासिल कर ली, जो कि संख्या में बड़े कम थे। जब जीत मिल गई तो सेनापति ने जाकर के राजा से कहा कि राजा साहब कमाल कर दिया, आपका जो फैसला था वो सिक्का उछालने वाला, वाकई में कहते ना कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, मतलब भाग्य ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम जीतने वाले हैं। राजा ने कहा कि देखो ये रहा वो सिक्का, दोनों तरफ इसमें हेड है, कहीं से भी गिरता जीत तो हमारी होनी थी, ये सिर्फ मैंने इसलिए उछाला था ताकि तुम्हें भी विश्वास आ जाए कि हम जीत सकते हैं। जिंदगी में दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपने आधा रास्ता तय कर लिया है तो वापस मत मुड़ना, क्योंकि वापस आएंगे वो डिस्टेंस कवर करेंगे, उतनी ही डिस्टेंस में शायद आप मंजिल तक पहुंच करके अपनी जीत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। जिंदगी में अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बाबा जी और उनके शिष्य की। एक बार अपने आश्रम से एक बड़े शहर के लिए निकले, रास्ता काफी लंबा था, पैदल पैदल चलते जा रहे थे। शाम होने को आई, अब लगा था कि कहीं रुक जाएं, कहीं विश्राम करने का स्थान मिल जाए तो बढ़िया रहे। तभी उन्हें सड़क किनारे सुनसान खेत के बीच में एक मकान दिखाई दिया। दोनों वहां पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। उस खेत में फसल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, बंजर जमीन पड़ी थी, इतनी सारी जमीन लेकिन कहीं कोई फसल नहीं। इस सब के बीच में ये दोनों सोच ही रहे थे कि ये क्या हाल बना रखा है। तभी उस मकान के मालिक ने, यानी कि उस परिवार के मुखिया ने दरवाजा खोला। बाबा जी ने उससे कहा कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, हमें शहर जाना है, रास्ता लंबा है, कल सुबह निकल जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ रुकिए, भोजन प्रसादी कीजिए, आराम से रुकिए, हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, मतलब किसी साधु का आना तो कितनी बड़ी बात है, आप रुकिए ना, आराम कीजिए। उनके विश्राम की व्यवस्था की गई, उनके लिए भोजन तैयार करवाया गया। जब वो व्यक्ति, उस परिवार का मुखिया, भोजन परोसने के लिए आया तो बाबा जी ने और उनके शिष्य ने दोनों ने एक साथ पूछ लिया कि भाई साहब एक बात बताइए, आपकी जिंदगी चल कैसे रही है, आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है, कैसे आप जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी सारी जमीन है, सारी सुनसान पड़ी है, बंजर पड़ी है, कहीं कोई फसल नहीं है, कैसे खर्चा चल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी हमारे पास में एक भैंस है जिसका दूध बेच करके हम आराम से जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खुश हैं, सुखी हैं। ये बोलने के बाद में उसने कहा कि आप तो भोजन प्रसादी पाइए। विश्राम करने के लिए बाबा जी और उनका शिष्य चले गए। रात में बाबा जी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि सुनो चलना है। उनके शिष्य ने पूछा कि अचानक से, उन्होंने कहा हाँ अचानक से। और जब तैयारी की, चलने की, निकलने के लिए तैयार थे तो बाबा जी ने शिष्य से कहा कि वो जो भैंस बंधी है उसको खोल लाओ और अपने साथ लेकर चलो। शिष्य अचानक से डर गया, चौंक गया, उसने बोला कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने मुझे पूरी जिंदगी सिखाया है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, पाप होता है, और आप आज मुझे कह रहे हैं कि चोरी कर लो। बाबा जी ने कहा जो कह रहा हूं वो कर लो। भैंस को लेकर के चल दिए, आधा रास्ता पार किया और बाबा जी ने उस शिष्य से कहा कि इस भैंस को यहीं जंगल में छोड़ दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है। शिष्य को समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने क्या किया, ना तो चोरी ढंग से की, उल्टा उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके पास में सिर्फ एक भैंस थी जिसकी वजह से वो लोग खुश थे, उनकी जिंदगी चल रही थी, उनके खुश रहने का रीजन उनसे छीन लिया। इस बात को 10 से 12 साल बीत गए। 10-12 साल के अंदर वो जो शिष्य था बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत सारे पैसे कमाने लगा, सक्षम हो गया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, उसको गिल्ट तो रोजाना होती थी कि हमने क्या किया, उसे ख्याल आया कि मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा जी ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया था, उस एक बेचारे किसान की भैंस हमने चुरा ली थी, एक बार जाकर के देखता हूं कि वो किस हाल में जी रहा है, उसको जाकर के कम से कम कुछ तो सहायता करूं, कुछ तो पैसे पहुंचाऊं। इसी ख्याल के साथ में अपनी गाड़ी में बैठा रवाना हुआ और उस जगह पर पहुंचा जो थोड़ी बहुत उसे याद थी। वहां जाकर के देखा कि वहां कोई खेत नहीं है सुनसान, वहां तो शानदार बगीचा लगाए, लहलहाती फसल, एक पीछे खेत था बड़ा सा और बीच में आलीशान बंगला बनाए, गाड़ी खड़ी है। इसने सोचा कि शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, फिर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यही जगह थी। फिर इसको लगा कि शायद वो जो व्यक्ति था जिसकी भैंस लेकर के हम भग गए थे, उस बेचारे की जिंदगी में तो सब कुछ उजड़ गया होगा, उसने शायद अपना खेत किसी और को बेच दिया होगा, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे।
ये सोच करके वहां से पलटने वाला था, वापस अपनी जगह आने वाला था, तभी इसने देखा कि एक व्यक्ति कार में बैठने के लिए तैयार था। गौर से देखा तो वही व्यक्ति था जो उस रात में इन्हें मिला था, जिसके यहां पर इन्होंने विश्राम किया था, भोजन पाया था। दौड़ के उसके पास गया और जाकर के पूछा कि क्या हाल है मेरे दोस्त। उसने कहा, अरे बाबा जी के शिष्य आप, आपको तो मैं पता नहीं कब से तलाश रहा हूं और साथ में उन बाबा जी को तलाश रहा हूं। आप दोनों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। शिष्य को लगा कि अब ये ताना मारेगा। उसने कहा कि हाँ मालूम है, आप लोग मेरी भैंस लेकर के भग गए थे, लेकिन अगर आप उस रात मेरी भैंस लेकर के नहीं जाते तो मेरी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि आप दोनों की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। इस शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब आप भैंस लेकर के चले गए तो मेरे यहां पर कुछ दिन के लिए तो खाने पीने के लाले पड़ गए, समझ नहीं आया कि कैसे जिंदगी चलेगी। मैंने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया, जंगल से उन्हें बेचना शुरू किया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए तो इस खेत को ढंग से, इसको सही हाल में लाना शुरू किया, इसमें बीज बोना शुरू किया, पहली फसल आई। समझ में आया कि इतना बड़ा खेत मेरे पास पड़ा था, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। धीरे 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 फसल होने लगी, पैसा आने लगा और आज आपके सामने इतना बड़ा परिवर्तन है। अगर आप और आपके बाबा जी उस दिन वो भैंस लेकर के नहीं जाते तो ये परिवर्तन नहीं आता। आपके गुरु जी कहीं मिले तो उन्हें यहाँ भेजिएगा या मुझे बताइएगा, मैं जाकर के उनके चरण छूना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी में हम कमाल कर सकते हैं, हम वाकई में चेंज ला सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। हम सोचते नहीं कि हमारी ताकत क्या है, हम बस ये मान करके रह जाते हैं कि जितना मिला उसी में ठीक है, वही ठीक चल रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी बंजर जमीन है जिस पर शानदार बगीचा लग सकता है। शर्त यह कि हमें वो भैंस छोड़नी होगी, वो आलस्य हटाना होगा, उसका त्याग करना होगा। आरजे कार्तिक हमेशा कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया पर अगर आप कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप शक्तिमान हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप सबसे महान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। हर किसी ने अलग अलग जवाब दिया। अपने शिष्यों के जवाब से जब गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य के भ्रमण पर निकला था। अपनी राजधानी में जो बाजार था, मुख्य बाजार था, मेन मार्केट में घूम रहा था। एक दुकान के सामने से अपने मंत्री के साथ निकला तो राजा ने मंत्री से कहा कि मालूम नहीं मंत्री जी, अचानक से एक ख्याल आया, एक विचार आया है, और ख्याल यह आया है कि क्यों ना कल सुबह इस दुकानदार को हम फांसी दे दें, इसे फांसी पर कल सुबह ही लटका दें। जहां राजा साहब ने कहा, मंत्री को डर सताने लगा कि मेरे राजा को ये उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं। उसने जानना चाहा कि राजा साहब ऐसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा ख्याल आपको क्यों आया। राजा ने कहा कि पता नहीं, मुझे अचानक से ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। दोनों घूम फिर करके वापस राजमहल में पहुंचे। मंत्री को लेकिन चैन नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्याल राजा को क्यों आया। उसने भेष बदला और उसी दुकान पर पहुंच गया जिसके सामने राजा को ख्याल आया था। अंदर जाकर के देखा कि दुकान चंदन की लकड़ी की थी। उस मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब क्या हाल है, आपका धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार रोने लगा कि कहां धंधा चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते हैं, वापस चले जाते हैं, खरीदता कोई नहीं है। आपको पता है भाई साहब, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उम्र जाएगा, तो उसके अंतिम संस्कार में हमारे यहां से कम बहुत सारी चंदन की लकड़ियां जाएंगी, मेरा धंधा वहां से शायद कुछ उठ पाए, कुछ पैसा हमारे घर में आ पाए, मेरे तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। वो दुकानदार रोता चला जा रहा था, बार बार राजा के लिए कह रहा था। जहां उसने राजा की बात रखी, मंत्री को समझ में आ गया कि क्यों राजा साहब को विचार आया कि इसे फांसी पर कल सुबह लटका दें। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुछ लकड़ियां, चंदन की लकड़ी उससे खरीदी दुकानदार से, और खरीदने के बाद में कहा कि परेशान मत रहो, मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है, मैं आता रहूंगा आपके यहां से चंदन की लकड़ी खरीदता रहूंगा, आप मस्त रहो, निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहा करो। ये कहकर के वहां से मंत्री चल दिया। अगली सुबह दरबार में पहुंचा, राजा के सामने वही चंदन की लकड़ी जो खरीद करके लाया था उसे पेश कर दी और कहा कि राजा साहब आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपको मालूम है ये तोहफा आपको किसने भेजा है, ये उसी दुकानदार ने भेजा है जिस दुकान के सामने आपको ख्याल आया था कि उस दुकानदार को फांसी पर लटका दें।
उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां तोहफे में भेजी। राजा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लगा कि ये क्या हुआ, मैं उस दुकानदार को फांसी देना चाहता था, वो तो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है। राजा ने अपनी तरफ से सोने की गिन्नियां भिजवा दी। जब उस दुकानदार को मालूम चला कि राजा साहब ने आपको तोहफा दिया है, सोने की गिन्नियां आपके लिए भिजवाई हैं, सरप्राइज दिया है, तो बड़ा खुश हुआ, अंदर से गिल्ट फील करने लगा कि मैं फालतू में राजा के मरने का इंतजार कर रहा था। हमारे यहां के राजा कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं, हमारे राजा इतने दयालु हैं कि इनको मेरी भी उम्र लग जाए, इनकी उम्र बढ़ जाए। बहुत सारी अच्छी दुआएं राजा के लिए भेजने लगा। मंत्री की बुद्धिमानी ने सब कुछ सेटल कर दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि कहानी खत्म हो गई है, बताइए अब बताइए कि कर्म क्या है। किसी ने कहा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, किसी ने कहा कि जो कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। उस दुकानदार को सिर्फ एक विचार आया था और सिर्फ उसके विचार ने राजा के मन में भी एक विचार डाल दिया कि क्यों ना इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जितने अच्छे विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी जीत होगी, उतनी शानदार आपकी जीत होगी। इसलिए कर्म करने से पहले अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि विचार ही आपके कर्म बनते हैं। जो आपके थॉट्स होते हैं वही आप आगे जाकर के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो दुनिया से अलग चलना होगा, दुनिया से अलग बनना है तो कुछ अलग करना होगा। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जंगल की, जहां एक बार एक शेरनी ने बहुत दिनों से भूखी थी, अचानक से उसे एक भेड़ों का झुंड दिखा, उस पर हमला कर दिया। शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ में निकली थी और जब अटैक करने गई भेड़ों पर, भेड़ भाग रही थी, पीछे शेरनी भाग रही थी, तो दौड़ते दौड़ते शिकार करते करते भूल गई कि उसका अपना बच्चा वहीं छूट गया। शेरनी का बच्चा यानी कि शेर का बच्चा अब भेड़ों के साथ रहने लगा। वक्त बीतता चला गया और उस शेरनी के बच्चे ने भेड़ों के जैसे ही जिंदगी बिताना शुरू किया। जब वो बड़ा हो गया तब भी वो भेड़ों की तरह ही रहता था। एक दिन एक दूसरा शेर वहां से निकला और उसी झुंड को देख करके आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। शिकार की तैयारी में था, भेड़ों की तरफ दौड़ा, भेड़ों के झुंड में हलचल मच गई। लेकिन जैसे ही शेर उस भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा, शेर के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि भेड़ों के झुंड में एक शेर और था जो दौड़ता चला जा रहा था, शेर से डर करके भाग रहा था। इसे समझ में नहीं आया कि इनके बीच में शेर क्या कर रहा है, और अगर है तो मुझसे डर करके क्यों भाग रहा है। ये शेर उसके पीछे दौड़ा, भेड़ों को छोड़ा और अब शेर को पकड़ना चाहता था, उससे बात करना चाहता था कि चक्कर क्या चल रहा है। बहुत स्पीड में जब भागा तो उस शेर का पीछा कर लिया। उसके पास पहुंचा तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने बोला कि भाई मुझे छोड़ देना, मुझे मत मारना। इस शेर ने बोला कि क्या पागलों जैसी बात है, तुम खुद शेर हो, मैं तुम पर अटैक क्यों करूंगा, तुम पर हमला क्यों करूंगा, तुम तो मेरे भाई हो। उसने कहा नहीं, मुझे मत मारना, मेरे बाकी लोग पीछे छूट गए लेकिन मुझे छोड़ दो। इस शेर को यह समझ में आ गया कि ये वाला शेर अभी तक समझ ही नहीं रहा है कि ये भी शेर है। उससे कहा कि भाई तुम भी शेर हो। उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं और मुझे तो भेड़ ही रहना है, मेरे पीछे मत पड़ो। अब ये जो शेर था जो हमला करने आया था, इसकी जिम्मेदारी थी कि उस शेर को याद दिलाए कि वो शेर है। उसे पकड़ करके ले गया, जंगल के बीच में तालाब था वहां ले गया और जाकर के उसे अपनी परछाई दिखाई और कहा कि देख मेरे भाई, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है, तुम भी शेर हो। उससे कहा कि देखो पहले मैं दहाड़ करके बताऊंगा, फिर तुम्हें वही दहाड़ निकालनी है। इस वाले शेर ने जब दहाड़ा तो जंगल गूंज गया। उस शेर से जो कि भेड़ों के बीच में पला बढ़ा था, उससे कहा कि एक बार तुम भी जोर लगाओ, पूरी ताकत के साथ दहाड़ मारो। उसे उसकी शक्ति का परिचय करवाया और उस शेर ने भी जो कि भेड़ों के बीच में पला बढ़ा था, उसने भी जोर की दहाड़ मारी और उसकी दहाड़ उस वाले शेर से जिसने कि हमला किया था उससे भी ज्यादा तेज थी। छोटी सी कहानी है, बचपन में शायद आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि हम भेड़ नहीं, हम शेर हैं, हमारे पास भी वो दहाड़ वाली शक्ति है। कई बार हम अपने पोटेंशियल को भूल करके वो काम कर रहे होते हैं जो शायद हमारे टैलेंट से मैच नहीं करता।
दुनिया में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो और प्यार से काम करें। अगर आप उस फील्ड में हैं जहां आपको मजा नहीं आ रहा है तो अभी भी वक्त है, आप उस फील्ड में जाइए जहां आप काम करना चाहते थे, जहां आपके पास में ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा पोटेंशियल है। आरजे कार्तिक बस यही कहता है, बार बार कहता है, अपनी ताकत को पहचानिए अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है, कभी भी वो 100% वाली खुशी मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मिल गया तो वो नहीं मिल पाया, इसकी कमी रह गई, उसकी कमी रह गई। अगर आपकी भी जिंदगी अधूरी है तो ये कहानी सुनिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस से आने के बाद में रोजाना अपने लिए कॉफी तैयार करता था और कॉफी का मग लेकर के अपनी हाई राइज अपार्टमेंट वाली जो बिल्डिंग थी, जो उसका फ्लैट था, उसकी बालकनी में आ जाता था। शाम का वक्त होता था, रोजाना आसमान को निहारता था, चिड़ियाओं को वापस आते देखता था और अपनी बिल्डिंग के पास में एक और बिल्डिंग बन रही थी, एक और कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर मजदूरों के बच्चे खेल रहे होते थे, उन्हें देखता था। वो सारे के सारे बच्चे रोज कोई ना कोई नया खेल खेलते थे, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में उन बच्चों ने एक नया खेल खेलना शुरू किया था, रेलगाड़ी वाला। उनमें से एक बच्चा इंजन बनता, बाकी बच्चे डिब्बे बनते और पीछे वाला बच्चा गार्ड वाला कोच बनता। ये व्यक्ति जब भी ऑफिस से आता, उन बच्चों का खेल देखता, इसके चेहरे पर खुशी आती क्योंकि इतने बड़े शहर में अकेला रह रहा था। पिछले 4-5 दिनों से इसने एक बात नोटिस करना शुरू की कि जो खेल खेल रहे हैं इसमें कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि रोजाना जो इंजन वाला बच्चा था वो बदल जाता था, नया बच्चा इंजन बनता था, फिर नया बच्चा इंजन बन रहा था, लेकिन एक बच्चा था जो लगातार बहुत दिनों से, जब से उसने नोटिस करना शुरू किया था तब से गार्ड ही बन रहा था, वो गार्ड वाला कोच ही बन रहा था, पीछे ही पीछे वाला डिब्बा, हाथ में एक फटा पुराना कपड़ा लेकर के दौड़ रहा होता था लास्ट में। इस व्यक्ति से रहा नहीं गया, इसने सोचा कि आज कॉफी बना करके नीचे जाकर के कॉफी पीऊंगा। बस बालकनी में जाकर के चेक किया कि आज वो बच्चा क्या बना है, आज भी वो बच्चा पीछे वाला गार्ड वाला कोच ही बना था, वही डिब्बा था लास्ट वाला। ये बंदा फटाफट से लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे पहुंचा, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला, वहां पास में जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पहुंचा, बच्चे खेल रहे थे। इसने उस आखिरी वाले बच्चे को आवाज लगाई और कहा कि बेटा इधर आना। वो बच्चा दौड़ के इसके पास आया, उसने पूछा कि हाँ जी अंकल क्या हुआ। इस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम लोग रोजाना यहां करके खेलते हो? उस बच्चे ने कहा हाँ जी खेलते हैं। क्या हुआ, आप पढ़ाई करते हैं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ हमारे खेलने की वजह से? इस व्यक्ति ने कहा नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं तो बस एक सवाल पूछना चाह रहा था, और मेरा सवाल यह था कि तुम रोजाना आकर के यहां खेल खेलते हो, ये रेलगाड़ी वाला खेल मुझे लगता है शायद 10-15 दिनों से खेल रहे हो। उस बच्चे ने कहा हाँ जी आपको तो बड़ा मालूम है। इस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन सवाल यह है कि तुम रोजाना आकर के यहां गार्ड वाला डिब्बा क्यों बनते हो, सबसे पीछे क्यों खड़े होते हो, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि इंजन बनो? उस लड़के ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, उस लड़के ने कहा कि बाबू साहब मेरा भी मन करता कि मैं भी इंजन बनूं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मेरे पास में ना कोई शर्ट या टी शर्ट नहीं है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मैं इंजन बन पाऊं, क्योंकि मैं इंजन बन जाऊंगा तो मेरी शर्ट या टी शर्ट पकड़ करके ही तो पीछे वाले लड़के खड़े होंगे, तभी तो ये गेम चल पाएगा। अब मेरे पास में टी शर्ट या शर्ट तो नहीं है, एक ये फटा पुराना सा कपड़ा है, इसलिए सबसे पीछे आता हूं, खड़ा हो जाता हूं और गार्ड बन जाता हूं। जहां इस व्यक्ति ने सब सुना, इसने फटाफट से अपनी पॉकेट में से निकाल के कुछ रुपए उस बच्चे को दिए और कहा कि बेटा कल सबसे पहले तो टी शर्ट खरीद लेना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा आज से मैं उठाऊंगा। छोटी सी कहानी है लेकिन यही सिखाती है कि लाइफ में कभी भी 100% वो जो हम चाहते हैं ना खुशी मिल जाए वो नहीं हो सकता, जिंदगी अधूरी रहेगी। इस छोटे से लड़के की कहानी हमें बस यही सिखाती है कि लाइफ में उसके पास में टी शर्ट नहीं थी, शर्ट नहीं थी, लेकिन वो कभी रोया नहीं, रोजाना आकर के उसी एनर्जी में खेलता था, उसी उत्साह के साथ में खेलता था और रोज आकर के गार्ड वाला डिब्बा बन जाता था। अपने हाथ में एक फटा पुराना कपड़ा लाता, रोज उसको घुमाते घुमाते पीछे बन जाता गार्ड और खेलता रहता था। कभी उसने कंप्लेंट नहीं की कि मेरे पास में टी शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, मैं खेल नहीं खेलूंगा। वो इसी हाल में खुश था कि चलो सबसे आखिरी में सही, लेकिन खेलने का मौका तो मिल रहा है। जिंदगी में अगर आपको लगता है कि कहीं अधूरापन है तो उसे भी इंजॉय करना शुरू कीजिए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और वो जो खाली स्पेस है अचानक से भर जाएगी। काफी सारे लोग कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, सिंगल हैं,
जब तक आप सिंगल हैं तब तक इन लम्हों को भी जीना शुरू कीजिए, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाएगी तो लाइफ में फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो दिन कहाँ गए जब मैं अकेला था। जिंदगी अधूरेपन में भी खुश रहने का नाम है। आप सुन रहे थे आरजे कार्तिक के साथ कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जमाने को मत बदलो, बदलना है तो खुद को बदलो, जमाना खुद ब खुद बदल जाएगा। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक के साथ एक नई कहानी। ये कहानी एक खूबसूरत मोहतरमा की, जिनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। भागते दौड़ते फाइनली उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की। वो आखिरी पैसेंजर थी, सारे के सारे उनको घूर रहे थे, लेकिन मैडम का जो तरीका था उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया था। वो उल्टा एयरलाइंस वालों को ही उल्टा सीधा कह रही थी। जाकर के अपनी सीट पर बैठी, प्लेन ने टेक ऑफ किया। जब आसमान में प्लेन पहुंचा तब तक उन्हें सांस में सांस आई, भागते दौड़ते पहुंची थी। अपने आसपास देखा तो चौंक गई। गुस्से में थी क्योंकि उनके पास वाली सीट पर एक दिव्यांग बैठे थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और जहां इन मैडम ने देखा कि इनके पास में एक दिव्यांग बैठे हैं, दोनों हाथ नहीं है, एयर होस्टेस को आवाज लगा करके बुलाया और कहा कि ये क्या तरीका है, मैडम आपको देखना चाहिए कि मेरे पास में पास वाला पैसेंजर कौन है, मुझे ऐसी सीट मत दिया कीजिए, प्लीज मेरी सीट चेंज कीजिए। बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी, आप ये कह सकते हैं कि नाराज हो गई थी इस बात से कि उनके पास में कोई दिव्यांग बैठा था। वृद्ध जन थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हुए थे, लेकिन सुन सब रहे थे। जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि मैडम बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कॉकपिट में जाती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ, तब तक के लिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ये जो मैडम थी इनके चेहरे पर खुशी आ गई कि क्या बात है, चलो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, मैं यहां से तो कम से कम शिफ्ट हो जाऊंगी। जो एयर होस्टेस थी कॉकपिट में गई, कैप्टन से बात की, वापस आई, और वापस आने के बाद में इन खूबसूरत मोहतरमा से कहा कि मैडम आज हमारे कैप्टन ने वो अभूतपूर्व फैसला लिया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर एयरलाइंस, पहली बार हमारी एयरलाइंस की हिस्ट्री में हम ये करने जा रहे हैं कि हम किसी पैसेंजर को तुरंत इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। जहां उस एयर होस्टेस ने यह कहा, इन मैडम के चेहरे पर और खुशी आ गई, इन्होंने कहा क्या बात है, थोड़ा सा इनको ना डराना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तब जाकर के लाइन पर आते हैं। मन ही मन में काफी कुछ चल रहा था, तभी वो एयर होस्टेस थोड़ा सा आगे बढ़ी और उन दिव्यांग जन से कहा कि सर आइए, हम आपको बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कैप्टन ने कहा है कि आपको ऐसे पैसेंजर के पास में बैठने का हक नहीं है जिन्हें इंसानियत की परवाह ना हो, जो इंसान होकर के दूसरे इंसान के बारे में ना सोचता हो। सर ये सीट आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक अलग से सीट रिजर्व कर दी गई है। जहां एयर होस्टेस ने कहा वहीं तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई, हर कोई खुश था जो भी ये बात सुन रहा था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लोगों ने कहा क्या बात है, क्या शानदार डिसीजन लिया है। वो जो दिव्यांग थे, वृद्धजन थे, अपनी सीट से उठे और बिजनेस क्लास की सीट की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने सबकी तरफ मुड़ करके बस एक बात कही कि दोस्तों मैं सारी बात सुन रहा था, सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया। आपको मालूम है दोनों हाथ मैंने कारगिल युद्ध में गंवाए थे, मैं सोच रहा था कि ऐसे लोगों के लिए जिन्हें दिव्यांग को पास में बैठाने में शर्म आ रही है, ऐसे लोगों के लिए हम अपनी जान सीमा रेखा पर दांव पर लगाते हैं। लेकिन अब जबकि एयरलाइंस वालों ने, इन एयर होस्टेस मैडम ने, कैप्टन ने यह डिसीजन लिया है कि मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नहीं, हम सैनिकों का वहां रहना और आप सबकी रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी इंसानियत बाकी है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है। लाइफ में इंसान का चेहरा, इंसान की सूरत खूबसूरत नहीं, बल्कि उसकी सीरत खूबसूरत होनी चाहिए, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब सही वक्त आता है तो जहां बॉल पड़ती है वहां आदमी बैट नहीं घुमाता, बल्कि आदमी जहां बैट घुमाता है बॉल वहां पड़ती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक प्रोफेसर की, जिनको ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करने के लिए जाना गया।
जिनकी आदत थी कुछ न कुछ आदमी के व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे, कोशिश करते थे कि कोई ना कोई सर्वे करें, कोई ना कोई रिसर्च करें, कोई ना कोई स्टडी करें और दुनिया को एक अलग बात बताएं। उन्होंने एक बार अपनी क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। क्लास में जितने बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, उन सभी को एक एक कैंडी दी गई, सबको कैंडी दी गई और सर जब गए सबके सामने तो उन्होंने कहा कि बेटा सबके लिए कैंडी है लेकिन अभी आपको नहीं खानी। ये प्रोफेसर बोलने लगे कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं, 10 मिनट के बाद में वापस आऊंगा, जब वापस आ जाऊंगा तब आप अपनी अपनी कैंडी उठा करके खा लेना और चिंता मत करो ये आप सभी की है, यानी कि आपके पास ही रहेगी, हम वापस नहीं लेंगे, आपको ही दी जा रही है, चिंता मत करना आपकी अपनी है, 10 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं उसके बाद में खा लेना। ये बोलकर के चुपचाप ये प्रोफेसर क्लास से बाहर आ गए। क्लास में कोई नहीं था, कोई टीचर नहीं, बच्चे फ्री थे। 10 मिनट बीत गए, प्रोफेसर वापस आ गए और जब अंदर आए तो देखा कि सारे बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कि अपनी कैंडी नहीं खाई थी, बाकी सब ने, किसी ने 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, वो 10 मिनट इंतजार ही नहीं किया, बाकी सब ने अपनी अपनी कैंडी निपटा दी थी। प्रोफेसर ने वो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने कि नहीं खाई थी, 10 मिनट तक रुके थे, उन सभी के नाम लिखे, उन सभी के एड्रेसेस नोट किए अलग से डायरी में, उन पर रिसर्च करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे। साल बीत गए, काफी सालों के बाद में ये प्रोफेसर उन 7ों के घर पर गए, वो एड्रेसेस थे उन पर गए, जाकर के पता किया कि वो 7ों के 7ों जिंदगी में कर क्या रहे। तो मालूम चला कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है, कोई बड़ा ऑफिसर बन गया है, हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहा था, अपनी जिंदगी के मुकाम पर था, उस ऊंचे मुकाम पर था जहां हर कोई जाना चाहता है, अपने अपनी फील्ड का राजा था एक तरीके से कह सकते हैं। प्रोफेसर फिर से गए स्कूल में जाकर के पुराने उन बच्चों का डेटा निकाला जो कि उस क्लास में थे, उन 7 के अलावा जो बाकी बच्चे थे उनके घर पर भी गए और वहां जाकर के देखा कि वो बाकी बच्चे मीडियोकर लाइफ जी रहे थे, बड़े तो हो गए थे लेकिन काम वही मामूली सा कर रहे थे, उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए थे जिस ऊंचाई पर वो 7 बच्चे थे। प्रोफेसर ने अपनी उस छोटी सी स्टडी से दुनिया को बस ये बताया कि पेशेंस कितना जरूरी है, सिर्फ 10 मिनट इंसान वेट नहीं कर सकता तो वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये छोटी सी इस स्टडी का रिजल्ट था। प्रोफेसर का नाम है वॉल्टर और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसका नाम था मार्शमेलो थियरी। मार्शमेलो थियरी नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जाना गया, मार्शमेलो इसलिए क्योंकि जो कैंडी थी वो मार्शमेलो थी। जो इंसान 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकता वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, यही प्रोफेसर वॉल्टर का कहना था। विनर बनने का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य, जिसने सब्र रखा उसने दुनिया को जीत लिया।